हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मम्मी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही हैं, काफ़ी टाइम बाद, अप्रॉक्सीमेटली 1 or 2 months। और अभी फ़िलहाल तो मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, मैं वहाँ पर उनको लेकर आया हुआ हूँ। और वहाँ पर अभी वो डॉक्टर उनको फिटनेस देगा कि हाँ आप फिट हो और ज्वाइन कर सकते हो ड्यूटी। तो उसके बाद फिर मम्मी अपना वो ले जाके अपने ऑफिस में दिखाएंगी और आज से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगी। तो आज सैटरडे भी है, तो आज मतलब फर्स्ट डे थोड़ी ज़्यादा थकान हो जाती है ना, पहला पहला दिन होता है, बॉडी एक्टिव नहीं होती है, धीरे धीरे एक्टिव स्टेट में आती है। तो अब आज वो जाएंगी ड्यूटी ज्वाइन करेंगी और फिर कल संडे रेस्ट कर लेंगी, फिर मंडे से प्रॉपर शुरू हो जाएगा उनकी ड्यूटी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पार्किंग में खड़ा हुआ, अभी उनका जल्दी से फिटनेस बन जाएगा तो फिर मैं उनको उनके ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़े चलने इतना चल फिर नहीं रही है ना, तो अगर अचानक से वो खुद ही जाएंगी तो काफ़ी वीकनेस आ जाएगी। और मम्मी आ रही हैं चेकअप करवा के अपना, देखते हैं क्या हुआ है। गाइस, मम्मी अभी जैसा आपने देखा आ गई थी, तो फिटनेस बनाने के लिए वो लोग ही कह रहे हैं पहले आप अपना RT-PCR टेस्ट करा लो, फिर मतलब कोविड सिम्टम्स तो उनको थे, फिर वो ख़त्म हो गया, अब उनको फिर आफ्टर वाली जो थी ना कोविड के बाद जो होती हैं बीमारियां वो चली, फिर वो ठीक हो गई, और अब वो कह रहे हैं एक बार करा कर तब मैं आपकी फ़िटनेस बना कर। अब दूसरे हॉस्पिटल में आई हैं अपना RT-PCR टेस्ट कराने के लिए, और फिर उनको ये भी कहा है कि एको भी करा लो, काफ़ी लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि HR CT scan भी करवा लो। तो अब देखते हैं क्या, गई हैं फिर से चेक करने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में, तो होता है तो पता लगता है। मैंने गाड़ी रोड के साइड में ही पार्क कर दी है, क्योंकि बार बार अंदर जाना बाहर जाना, और वैसे भी मम्मी को इधर दूसरे वाले में जाना तो वहाँ पर जाने जगह नहीं थी, तो जल्दी आ जाए तो सही है। इधर एक ATM भी है, लोग काफ़ी निकालने के लिए आ रहे हैं। और ये ऑर्थोपेडिक ब्लॉक है, क्या बताया तो क्या निकला रिजल्ट आज का? इको में कुछ नहीं आया, तो अब हम वही CT scan कराना है, HR CT scan। अच्छा, तो कब है? 10 जून को खुली होगी और सब कुछ मिल रहा होगा इसमें। ये है कैंटीन, ये है यहाँ का बोर्ड, ये है जूस की दुकान, यहाँ पर मैंने एक मैंगो शेक ऑर्डर किया है, उसके साथ में ही है ये कैंटीन, ऐसा सिटिंग प्लान है इसका। ये मैंने अपना अभी मैंगो शेक ख़त्म किया है और मैं बैठ हुआ हूँ इस कैंटीन में। ये देखिए, और अब मैं ले आया हूँ ये एक प्लेट बिरयानी, एक चाप और एक पनीर लबाबदार, देखते हैं कितनी दी होगी, ग्रेवी कम देते हैं तो। अब ये गाड़ी खड़ी हुई है, मिला कुछ? हाँ चलो ठीक, आज तो होगी तुम्हारी तमन्ना पूरी। हाँ चलते हैं। क्या लायो? एक प्लेट पनीर लबाबदार, एक चाप और एक वेज बिरयानी। दिखाओ तो जरा, दिखाओ घर में, घर में खोलेंगे। सलाद फ्री है। ये सब लाकर मैंने यहाँ छत पे क्वारंटाइन होने के लिए रख दिया है, खाना भी रख दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग घर आ पाए, सुबह के निकले हुए, अब बज चुके हैं 1:15 हो रहा है इस समय टाइम, ताकि कुछ भी खाया नहीं है अभी, अभी बस नहा कर बैठे हैं और जो लाए हैं वो खाएंगे, कैंटीन से लाए हैं जो खाना, अभी दिखाता हूँ क्या क्या आया है आज। रहा मेरा खाना, ये है चाप पनीर, और अब मैं खोल रहा हूँ ये बिरयानी, देखते हैं बिरयानी कैसी है। वाह, महक बहुत अच्छी आ रही थी। और ये देखिए क्या मौसम हो रहा है, मस्त बादल हो रहा है, और अभी बज रहे हैं 6:30, उठ पाया हूँ मैं जाके, बारिश होगी लगता। और आज डिनर में है ये कच्चा पनीर और ग्रेवी भी, और मैंने इस कच्चे पनीर को कट कर लिया, अब इसको उस बची हुई ग्रेवी में डाल लेता हूँ, जो दोपहर में लाया था ना उसी ग्रेवी बच गई थी, और फिर इसको माइक्रोवेव में रख दूँ।
और अब इस बिरयानी और पनीर को रखता हूँ माइक्रोवेव में। मैंने रख दिया है, चलिए माइक्रोवेव को बंद कर कर स्टार्ट करते हैं। इसको ना मैं 130 पे कर देता हूँ। चलिए अभी एंड होने वाला है। हाँ, बंद हो गया। चलिए अभी इसे खोल कर देखते हैं कैसा बना है। काफ़ी गरम गरम लग रहा है। हाँ, काफ़ी गरम हो गया, इतना बहुत है। ये तो ठीक गरम हो गई है बिरयानी, शायद अंदर तक चावल गरम हो गए होंगे। और आ गया मेरा पनीर, बहुत अच्छा। रात के बज चुके हैं 10, खाना पीना हो गया है और मैं ऊपर अब वॉक कर रहा हूँ। और आज मैं सोच रहा हूँ, आज बहुत अच्छी हवा चल रही है तो छत पे ही सोया जाए। तो मैं दिखाता हूँ रूम जिसमें मैं आज सोऊंगा। और ये है वो रूम। यहाँ पर बस मच्छरदानी लगा कर सोऊंगा, और मच्छरदानी इसलिए क्योंकि मच्छर ना हो। ये है, नाइट में यहाँ बहुत मज़ा आता है। और देखो यहाँ पर विंडोज़ भी हैं, खोल लूँगा जिससे हवा भी आती रहेगी। ये बाहर का है। और एक विंडो ये भी है, ये बड़ी वाली विंडो है। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कमरे में भी आ रही है। और हो सकता है शायद सोऊं भी ना, छत पर बैठ के मस्त मूवी वगैरह चलेगी आज, है ना। मस्त रूम, टेम्परेरी है बट मजेदार है। लाइट्स वगैरह भी अच्छी लग रही है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पर छत पर सोने के लिए आज। और फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और वो घंटा भी दबा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, गुड नाइट।